हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी लेग्स या चिकन स्किन की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्किन कंडीशन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस कंडीशन को केराटोसिस पाइलेरिस के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि केराटोसिस पाइलेरिस कैसा दिखता है, ये किस वजह से होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट बीकानेर राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केराटोसिस पाइलेरिस क्या होता है, कैसा दिखता है ये। दोस्तों, नॉर्मली इसमें छोटे छोटे से बम्प्स आपकी स्किन के सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ज़्यादातर जो ये बम्प्स होते हैं, इनके आसपास की स्किन थोड़ी सी रेड या थोड़ी सी ब्लैक कलर की हो सकती है। इसके अलावा कुछ बम्प्स पर टाइनी स्पाइक जैसे प्रोजेक्शंस भी पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे नुकीले कांटे जैसे प्रोजेक्शन इन पर देखे जा सकते हैं। अगर आप इन्हें टच कर देखेंगे तो ये बहुत रफ़ या खुरदरे से नज़र आते हैं। नॉर्मली ये कंडीशन अटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ में एसोसिएटेड होती है। अटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरह की स्किन कंडीशन है जिसमें आपके स्किन का बैरियर फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की कोटिंग होती है, वो डिस्टर्ब होती है और इस वजह से आपकी स्किन कई तरह की एलर्जीज और इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हो जाती है। इस कंडीशन के साथ में केराटोसिस पाइलेरिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। आमतौर पर ये आपके आर्म्स पर देखा जाता है, आर्म्स के भी ये एक्सटेंसर पार्ट में देखा जाता है, यानी कि जो आपके आर्म्स का बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ पर ही काफ़ी फ्रिक्वेंटली नज़र आता है। इसके अलावा कुछ केसेस में ये लेग्स पर और थाइस पर भी देखा जा सकता है और रेयर केसेस में चेहरे पर भी ये बम्प्स अपीयर हो सकते हैं। नॉर्मली ये जो बम्प्स होते हैं 15-16 की उम्र के आसपास अपीयर होना शुरू होते हैं और मैक्सिमम इंसिडेंस इनका 15-16 से लेकर 30 साल की उम्र तक ज़्यादा देखा जाता है। आमतौर पर एज के साथ में ये धीरे धीरे करके रिग्रेस करते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है 40s-50s तक जाकर ये अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपको क्या प्रॉब्लम करते हैं? केराटोसिस पाइलेरिस एज सच कोई डिजीज़ नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी कॉमन कंडीशन है कि जो नॉर्मली बहुत से लोगों में देखी जा सकती है और एज सच इसे हम बीमारी नहीं मानते हैं। ये केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। यूजुअली ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि पेशेंट को इससे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई जलन, ना कोई खुजली। तो यूजुअली पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो आते हैं कॉस्मेटिक कंसर्न की वजह से, क्योंकि उन्हें अपनी स्किन की अपीयरेंस अच्छी नहीं लग रही होती। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके हाथों पर और पैरों पर केराटोसिस पाइलेरिस या फिर स्ट्रॉबेरी स्किन या फिर चिकन स्किन की प्रॉब्लम है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस एरिया को वैक्स ना करें। वैक्सिंग करने से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उस एरिया को स्क्रब नहीं करें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम अपीयर हो रही है तो उसे अगर हम स्क्रब कर देंगे तो उससे वो प्रॉब्लम परमानेंटली हट जाएगी। लेकिन केराटोसिस पाइलेरिस के ऊपर स्क्रब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, जिस वजह से आपकी स्किन पर ज़्यादा रेडनेस आ सकती है और रेडनेस सबसाइड होने के बाद में पिगमेंटेशन भी ज़्यादा रह सकता है, यानी कि ज़्यादा कालापन भी आ सकता है। और स्क्रब करने से ये आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्सन हो सकती है, और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए वैक्स नहीं करें, स्क्रब नहीं करें। तो अगर आपको उन एरिया में हेयर रिमूव करने हैं तो आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेज़र का इस्तेमाल करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि उसे बालों के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आप शेव ना करें। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ हेयर आपको हमेशा शेव करना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मॉइस्चराइज़र का रेगुलर यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन साथ में ड्राई भी है, अगर अटॉपिक डर्मेटाइटिस या इक्थियोसिस जैसी और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी मॉइस्चराइज़र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मॉइस्चराइज़र्स में आप कोई भी प्रिपरेशन जो आपको सूट करती है वो यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन बेस्ड प्रिपरेशन इसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा ग्लिसरिन और गुलाब जल भी आप मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट से कोई मॉइस्चराइज़र परचेज़ कर रहे हैं तो आप देखिए सेरेमाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो ऐसी कंडीशंस में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। स्किन का जो बैरियर होता है उसे रिस्टोर करने में सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा ढीले सूती कपड़े पहनने हैं, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं। जितना इन एरियाज़ पर कपड़ों से फ्रिक्शन होगा उतनी ये प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अगर आपको केराटोसिस पाइलेरिस की प्रॉब्लम है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं।
दोस्तों केराटोसिस पाइलेरिस को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पहले आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि ये कंडीशन क्योरेबल नहीं होती है। इसका 100% जड़ से कोई इलाज नहीं होता है, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि ये 100% गायब हो जाए, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रीटेबल होती है, यानी कि ट्रीटमेंट से इसकी अपीयरेंस को, इसकी विजिबिलिटी को हम काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसमें वो तो है रेगुलर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र इसमें बहुत यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा मार्केट में कई यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी होते हैं जो इसमें डबल रोल प्ले करते हैं, एक तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, इसके साथ ही जो आपकी सुपरफिशियल डेड स्किन होती है उसे एक्सफोलिएट करने का भी काम करते हैं। तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मेनली उनका पर्पस रहता है एक्सफोलिएशन, यानी कि जो आपकी डेड स्किन है वो टाइम टाइम से उतरती रहे, झड़ती रहे, एक्सफोलिएट होती रहे और ज़्यादा केराटिन आपकी स्किन पर एक्यूमुलेट नहीं हो जिससे कि इन बम्प्स की अपीयरेंस रिड्यूस हो जाती है। तो एक्सफोलिएंट्स की तरह हम क्या क्या एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, कई तरह के अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जिन्हें हम आजकल AHA BHA के नाम से जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब एसिड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली ग्लाइकोलिक एसिड जो आपको मिलेगा मार्केट में 6% और 12% की प्रिपरेशन मिलती है, स्टार्टिंग में आप 6% ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम दिन में लगाना है, इसे स्टार्ट करें, फिर जैसे आप यूज़ टू हो जाते हैं वैसे धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें, दो टाइम दिन में लगाना शुरू कर दें, फिर जैसे आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 6% से आप 12% पे जा सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड के कई प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, 1%, 2%। इसके अलावा रेटिनॉइड्स का काफ़ी अच्छा रोल रहता है स्किन को एक्सफोलिएट करने में और आपके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनका टर्नओवर इंक्रीज़ करने में, यानी कि आपकी पुरानी जो डेड स्किन है उसको शेड करने में और नई स्किन का फॉर्मेशन करवाने में, जिसे कि एपिडर्मल सेल टर्नओवर हम कहते हैं, इसमें रेटिनॉइड्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो आप रेटिनॉल का भी यूज़ कर सकते हो और रेटिनॉल से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर प्रिपरेशन होते हैं जैसे कि ट्रेटिनोइन, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। रेटिनॉइड्स का यूज़ करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और रेटिनॉइड्स से स्किन इरिटेशन होने का थोड़ा चांस रहता है, इसलिए जब भी रेटिनॉइड यूज़ करना स्टार्ट करें तो उसे कम कॉन्सेंट्रेशन से यूज़ करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल ट्रेटिनॉइन मार्केट में अवेलेबल रहती है 0.025, 0.05 और 0.1% कॉन्सेंट्रेशन में, तो हमेशा आप इसे 0.025% कॉन्सेंट्रेशन से ही यूज़ करना स्टार्ट करें और उसे यूज़ करने पे भी अगर आपको जलन होती है तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ आप शुरू में कम रखें, डेली लगाने की जगह इसे हफ्ते में एक या दो बार लगाकर आप स्टार्ट करें। और इन एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें। तो ये तो बात रही लगाने वाली जो मेडिसिंस हैं उनकी, कुछ सीवियर केसेस में हम पेशेंट को ओरल रेटिनॉइड्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर बहुत सीवियर केस है तो उस केस में ओरल आइसोट्रेटिनॉइन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से पेशेंट को रिस्पांस नहीं आ रहा है या फिर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेक्स्ट इसमें लेज़र का ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेन प्रॉब्लम अगर हमारी पिगमेंटेशन की है, अगर आपके केराटोसिस पाइलेरिस के बम्प्स के आसपास बहुत ज़्यादा रेडनेस है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो ऐसे केसेस में हम क्यू स्विस्ट NDAG लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं पिगमेंटेशन कम करने में। इनके आपको 4 से 6 सेशन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है पूरा रिजल्ट देखने के लिए। समराइज अगर इसे करें तो केराटोसिस पाइलेरिस एक तरह की फिजियोलॉजिकल स्किन कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, केवल एक कॉस्मेटिक इशू है ये। और इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं मेनली एक्सफोलिएंट्स यूज़ होते हैं, एक्सफोलिएंट से अगर अपने नहीं आराम आता है तो आप डॉक्टर के पास जाकर लेज़र ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाना इसमें मस्ट है और इसके अलावा आपको वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करना है, शेविंग ध्यान से सही डायरेक्शन में करना है और कपड़े जहाँ तक हो सके ढीले सूती कपड़े पहनना है, बिल्कुल भी टाइट कपड़े, सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिली होगी। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।